उज्जवल भारत न्यूज क्राइम स्पेशल रिपोर्ट पर आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज के क्राइम विशेष रिपोर्ट में सभी का स्वागत है। अरवली से बड़ी खबर, गुजरात के जियो टावर से बैटरी चोरी करने वाला गिरोह का अरवली पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने मोबाइल टावरों से बैटरी और केबल चोरी करने वाले एक गिरोह का को पकड़ लिया है। बैटरी चोरी गिरोह के दो आरोपी हुए गिरफ्तार। दोनों आरोपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। पुलिस ने इन दोनों आरोपियों से चोरी के 31 मामले का पर्दाफाश किया है। चोरी अरवली समेत खेड़ा, आनंद, अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा जिले में भी किया गया था। चोरी पंचमहल, मेहसाणा, सुरेंद्रनगर जिलों में भी की गई थी। पुलिस ने आरोपियों के पास लगभग 6.31 लाख की रकम जब्त कर ली गई है। चार अन्य आरोपी अभी भी फरार है। आरोपी बैटरियां चोरी कर दिल्ली में बेचते थे। डीजी श्री विकास साय एवं रेंज डीआईजी श्री वीरेंद्र सिंह यादव सर के मार्गदर्शन हेटल हमारे यहाँ अरवली में 3 बैटरी चोरियां रजिस्टर हुई थी, 2 मोडासा रूरल एवं 1 टिंटोई में। इसका डिटेक्शन LCBPI DB वाड़ा को दिया गया था। उन्होंने अपने अंडर में 2 टीम्स, PSI तोमर एवं PSI वागेला की 2 टीम्स बनाकर इसको डिटेक्ट किया है, जिसमें हमें ये पता चला था कि ये आसपास के जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अहमदाबाद ग्राम्य हो गया, साबरकांठा हो गया, मेहसाणा हो गया, खेड़ा हो गया, वहाँ भी ऐसे ही चोरी का सेम MO हो रहा था। तो इन्होंने टेक्निकल सर्वेलेंस के आधार पर एवं CCTV फुटेज को देखकर 2 शंकास्पद गाड़ी, 1 होंडा सिटी एवं 1 XUV गाड़ी को जीरो इन किया था। कल नाइट पेट्रोलिंग के समय LCBPSI वागेला की टीम ने इनको किशोरपुरा चौकड़ी से जो होंडा सिटी थी, जो शंकास्पद थी, उसमें एक अक्यूज्ड जो बैठा हुआ था अनस एवं सोनू को पकड़ लिया है। सोनू का जब हमने इंटरोगेशन किया, उससे पूछपरछ की, तो उसमें पता चला कि इसमें और 5 लोग शामिल थे। इनका जो गैंग था ये बहुत सक्रिय था, वो यही बैटरी चोरी कर रहा था। जब इससे और पूछपरछ की गई तो हमें एक और को अक्यूज्ड का नाम और पता मिला अहमदाबाद से, जो है जोहेब उर्फ इसरार इब्राहिम खुरेशी। ये रहने वाला है अमरोहा UP से। इसको भी हमारे LCBPI की टीम ने कल पकड़ लिया है। जब इन दोनों का इंटरोगेशन किया तो हमें ये पता चला कि लास्ट 3 मंथ से 23/3/2024 से 4/6/2024 तक इन्होंने 5 ट्रिप की गुजरात की, जिसमें 59 जगहों पर इन्होंने चोरियां की, बैटरी चोरी। 59 जगहों में से टोटल रजिस्टर्ड जो गुना है वो 31 है। इसमें से मेनली जो बैटरी की कंपनी है वो विजन, कॉस्लाइट एवं एक्जीकॉम की है। ये जियो कंपनी के जो मोबाइल टावर्स हैं उनकी बैटरियों की चोरियां करते थे, क्योंकि ये 5G नेटवर्क सपोर्टेड थे। जो 31 रजिस्टर्ड गुना है वो खेड़ा के 8, आनंद के 2, अहमदाबाद ग्राम्य के 10, गांधीनगर के 3, अरवली के 3, वडोदरा ग्राम्य के 2, पंचमहल के 1, मेहसाणा 1 एवं सुरेंद्रनगर के 1 है। जो इनके साथ जो रिकवर हुआ है मुद्दा माल, जिस दिन हमने सोनू को LCBPSI ने पकड़ा, उस दिन 11 मोबाइल टावर की बैटरियां रिकवर हुई है, जिसकी कुल कीमत है 1,10,000। होंडा सिटी गाड़ी 5 लाख की, और जो दूसरे एक्सेसरीज़ हैं जिससे बैटरी को कट किया जाता था केबल से, वो सारी एक्सेसरीज़ भी हमारी रिकवर हुई हैं, जैसे कि SFT पिन, केबल कटर, दूसरी सारी एक्सेसरीज़। तो टोटल हमारा रिकवर किया मुद्दा माल 6,31,000 का होता है। 2 आरोपी हमने पकड़ लिए हैं, इसमें और 4 आरोपी पकड़ना बाकी हैं, जिसमें हमारी टीम रवाना हो चुकी है और जल्द से जल्द वो आरोपी भी पकड़ लिए जाएंगे। इसमें से जो पकड़े आरोपी हैं उसमें जो सोनू है उसके ऊपर बैटरी का गुना UP में भी रजिस्टर हो रखा है। DG श्री विकास साय एवं रेंज DIG श्री वीरेंद्र सिंह यादव सर के मार्गदर्शन हेटल हमारे यहाँ अरवली में 3 बैटरी चोरियाँ रजिस्टर हुई थी, 2 मोडासा रूरल एवं 1 टिंटोई में। इसका डिटेक्शन LCBPI DB वाड़ा को दिया गया था। उन्होंने अपने अंडर में 2 टीम्स, PSI तोमर एवं PSI वागेला की 2 टीम्स बनाकर इसको डिटेक्ट किया है, जिसमें हमें ये पता चला था कि ये आसपास के जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अहमदाबाद ग्राम्य हो गया, साबरकांठा हो गया, मेहसाणा हो गया, खेड़ा हो गया, वहाँ भी ऐसे ही चोरी का सेम MO हो रहा था।
तो इन्होंने टेक्निकल सर्वेलेंस के आधार पर एवं सीसीटीवी फुटेज को देखकर दो शंकास्पद गाड़ी, एक होंडा सिटी एवं एक एक्सयूवी गाड़ी को जीरो इन किया था। कल नाइट पेट्रोलिंग के समय एलसीबी पीएसआई वागेला की टीम ने इनको किशोरपुरा चौकड़ी से जो होंडा सिटी थी, जो शंकास्पद थी, उसमें एक अक्यूज्ड जो बैठा हुआ था अनस एवं सोनू को पकड़ लिया है। सोनू का जब हमने इंटरोगेशन किया, उससे पूछपरछ की, तो उसमें पता चला कि इसमें और 5 लोग शामिल थे। इनका जो गैंग था ये बहुत सक्रिय था, वो यही बैटरी चोरी कर रहा था। जब इससे और पूछपरछ की गई तो हमें एक और को अक्यूज्ड का नाम और पता मिला अहमदाबाद से, जो है जोहेब उर्फ इसरार इब्राहिम खुरेशी। ये रहने वाला है अमरोहा यूपी से। इसको भी हमारे एलसीबी पीआई की टीम ने कल पकड़ लिया है। जब इन दोनों का इंटरोगेशन किया तो हमें ये पता चला कि लास्ट 3 मंथ से 23/3/2024 से 4/6/2024 तक इन्होंने 5 ट्रिप की गुजरात की, जिसमें 59 जगहों पर इन्होंने चोरियां की, बैटरी चोरी। 59 जगहों में से टोटल रजिस्टर्ड जो गुना है वो 31 है। इसमें से मेनली जो बैटरी की कंपनी है वो विजन, कॉस्टलाइट एवं एक्सिकॉम की है। ये जियो कंपनी के जो मोबाइल टावर्स हैं उनकी बैटरियों की चोरियां करते थे, क्योंकि ये 5G नेटवर्क सपोर्टेड थे। जो 31 रजिस्टर्ड गुना है वो खेड़ा के 8, आनंद के 2, अहमदाबाद ग्राम्य के 10, गांधीनगर के 3, अरवली के 3, वडोदरा ग्राम्य के 2, पंचमहल के 1, मेहसाना 1 एवं सुरेंद्रनगर के 1 है। जो इनके साथ जो रिकवर हुआ है मुद्दा माल, जिस दिन हमने सोनू को एलसीबी पीएसआई ने पकड़ा, उस दिन 11 मोबाइल टावर की बैटरियां रिकवर हुई है, जिसकी कुल कीमत है 1,10,000। होंडा सिटी गाड़ी 5 लाख की, और जो दूसरे एक्सेसरीज हैं जिससे बैटरी को कट किया जाता था केबल से, वो सारी एक्सेसरीज भी हमारी रिकवर हुई हैं, जैसे कि एसएफटी पिन, केबल कटर, दूसरी सारी एक्सेसरीज। तो टोटल हमारा रिकवर किया मुद्दा माल 6,31,000 का होता है। 2 आरोपी हमने पकड़ लिए हैं, इसमें और 4 आरोपी पकड़ना बाकी हैं, जिसमें हमारी टीम्स रवाना हो चुकी है और जल्द से जल्द वो आरोपी भी पकड़ लिए जाएंगे। इसमें से जो पकड़े आरोपी हैं उसमें जो सोनू है उसके ऊपर बैटरी का गुना यूपी में भी रजिस्टर हो रखा है। ये बैटरी चोरी करके क्या उपयोग करते थे और कहां बेचते थे? इनका मेनली बेचना, जो हमने दूसरा जो आदमी पकड़ा है जो है उसके यहाँ ये बैटरी रखते थे और फिर बाद में दिल्ली ले जाते थे। इनका जो मेन जो बिजनेस था बेचने का वो दिल्ली में होता था। सर वो गैंग कौन से नाम से पहचान जाते हैं? इनका कोई एकदम से ऐसा कोई गैंग का नाम नहीं है। ये बेसिकली कोई एक स्टेट टारगेट करते हैं, उस स्टेट में 2-4 महीनों तक केबल चोरियां करते, बैटरी चोरियां करते हैं, फिर दूसरे स्टेट में चले जाते हैं। जैसे कि पुलिस को पता ना चले कि टोटल इन्होंने चोरियां कितनी कर रखी, तो वो भी हमारे पास हम कलेक्ट कर रहे हैं दूसरे स्टेट से भी कि इन्होंने दूसरे स्टेट में भी कितनी चोरियां की। इनका एमओ यही था कि पहले ये रेकी करते थे और मेनली ये लोग जियो टावर की जो बैटरियां हैं उन्हीं को ये लोग टारगेट करते थे, क्योंकि वो 5G सपोर्टेड थी। और रेकी ये लोग करते थे, 1-2 दिन पहले घूमते थे, मेनली हाईवे के जो पास में जो टावर्स थे उन्हीं को ये लोग टारगेट करते थे, क्योंकि इजी रहता था उनके लिए।